हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको इंग्लिश ट्रांसलेट क्लास स्टार्ट करी थी और आपने उसे देखा भी होगा क्लास में। कल मैंने आपका इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करा था कि इंग्लिश ग्रामर कैसे आपको करनी है। कल मैंने आपको चार्ट पेपर के बारे में बताया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया था। अगर आप इन सारी चीजों को जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ और जो समझा रहा हूँ अपनी नोटबुक में नोट करोगे तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और फिर आपको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको आपको सब चीजों को अपनी कॉपी में नोट करना है अगर आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है। जो अच्छी इंग्लिश बनाएगा वही अच्छी इंग्लिश बोलेगा, यही इंग्लिश ट्रांसलेट का सबसे बड़ा रूल है। देखो, कल भी मैंने आपको बताया था क्लास में हर टीचर्स के अपने पढ़ाने के तरीके अलग अलग है, लेकिन जो मेरा अपना मेथड है बिल्कुल सो सिंपल है ताकि किसी भी बच्चे को इंग्लिश सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो अच्छी इंग्लिश सीखेगा, ग्रामर पर ध्यान देगा, वोकैबुलरी पर ध्यान देगा, मीनिंग याद रखेगा, तो उसकी इंग्लिश वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश जो है आज की बहुत नीड है सबके लिए। इंग्लिश हैज बिकम अ वेरी सॉलिड वेपन फॉर एवरीवन और विदाउट इंग्लिश जस्ट वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। सो इंग्लिश लर्निंग इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन एट दिस टाइम। तो इंग्लिश सीखनी है, अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो उससे पहले अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको अच्छी इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। तो कल मैंने आपको यस्टरडे आई टोल्ड यू प्रेजेंट सिंपल टेंस, मींस कल मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस कराया था। सिंपल का मीनिंग मैंने कल बताया था कि बिल्कुल साधारण टेंस जो हम रोजाना अपनी भाषा में यूज करते हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, पता नहीं होते हैं और बहुत से टीचर ये समझ के छोड़ देते हैं कि बच्चों को आते हैं। सब टीचर जितने ये सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस सिखाते हैं, लेकिन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस सीखने से पहले भी कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो हमें आने चाहिए। तो कल मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस कराया था। सिंपल टेंस का मतलब जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यानी यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। कैसे हम इज एम आर का प्रयोग करें सेंटेंस में, तो इज एम आर का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं तो उसमें हम वर्ब का यानी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का करेंगे पर मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको उससे आगे का पार्ट पास्ट सिंपल टेंस कराऊंगा। पास्ट सिंपल टेंस जैसे कि लुक ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे मैंने पहले से लिख रखा सारा का सारा। आप इन सारी चीजों को अपनी कॉपी पे नोट जरूर करना, कॉपी पे नोट करोगे तो लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद रहेंगे। ये मेरा वादा, इट्स माय 100% आई विल प्रॉमिस यू डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। किस तरह पैराग्राफ बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप डेफिनेटली सीख जाओगे, लेकिन आपको ये लिखने पड़ेंगे कॉपी में, इन सेंटेंस जो लिखे हुए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद जब अगर आप मेरी लगातार ये यूट्यूब पर जो मैं चैनल जो मैंने बनाया जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगर आप इनको लगातार फॉलो करोगे और इन्हें अच्छी तरीके से वॉच करोगे और नोट करोगे अपनी कॉपी में तो आप विद इन वन मंथ आप पैराग्राफ बनाने सीख जाओगे हिंदी इंग्लिश में। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क, इट इज कंपल्सरी फॉर यू। तो मेरी सारी क्लासेस को आप बहुत केयरफुली वॉच करेंगे और लिसन करेंगे और उसके बाद नोट करेंगे। तो देखिए, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट मींस भूतकाल, बीता हुआ कल, जो बीत गया समय, इस टेंस की जो पहचान है था थे थी। इसमें पास्ट सिंपल टेंस मतलब यूज ऑफ वाज वर्ब, हमें वाज वर्ब का प्रयोग करना है और ये भी हमारा विदाउट वर्ब है, इसमें हम मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इन दो सेंटेंस में हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंटेक्स मींस सूत्र यानी फॉर्मूला, कल भी मैंने आपको बताया था कोई भी टेंस बनाओ उसके छह पार्ट्स होते हैं लेकिन मैं आपको चार बता रहा हूं अभी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिखाऊंगा जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा तब आप उसमें देखोगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में सबसे पहले टेंस अफर्मेटिव, जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था लास्ट अपनी वीडियो में कि अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जिसमें आपकी सोच किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसी है, अच्छी सोच है, आप अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो मैंने कल आपको चार्ट पेपर में बताए थे हमारे 7 सब्जेक्ट है, ही सी आई वी यू दे इट, इन्हें आपको हमेशा याद रखना है। तो पास्ट सिंपल टेंस को चार्ट पेपर में आपको लिखा हुआ है
के सब्जेक्ट उनके साथ लगेगा वॉज और वर्क प्लस ऑब्जेक्ट, मैन वर्क का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वॉज और वर्क क्या हमारी हेल्पिंग वर्क, नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर्क नहीं के लिए नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में वॉज वर्क सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये जरूर याद रखना जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए फुल स्टॉप अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो क्वेश्चन हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली से ही होते हैं। ये भी कल मैंने आपको लिखवाया था, अगर आप नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट वीडियो में, डब्ल्यू एच फैमिली वॉज वर्क सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क और इसमें भी क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल बुद्धिमान लड़का था, तो राहुल हमारा क्या है सब्जेक्ट, बुद्धिमान लड़का क्या है ऑब्जेक्ट, और पहचान क्या हमारी था, यानी कि वॉज वर्क, इसमें से आपको किसी एक चीज का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्क का। तो यहां पर अगर नेम आ रहा है तो नेम ही लिखना है, और अगर राहुल की जगह वह लड़का हो तो ही और लड़की है तो सी, अब राहुल है तो राहुल, नाम आ गया राहुल, अब राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम वॉज, और अगर प्लूरल होता तो क्या लगता वर्क, या आप चार्ट पेपर में देख सकते हैं राहुल वॉज बुद्धिमान को क्या कहेंगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पर हमने एन क्यों लगाया ए क्यों लगाया, एन इसलिए लगाया क्योंकि इंटेलिजेंट में वो भी आ रहा आई, हमारे पांच मोबिल होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर ये पांच मोबिल हमारे आते हैं, अगर हमारे पांच मोबिल आते हैं ए ई आई ओ यू तो हम हमेशा इनके साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे एन का। तो देखिए इंटेलिजेंट में किसी किसकी साउंड आ रही है आई की, तो क्या लगा दिया हमने एन, एन इंटेलिजेंट बॉय, पीछे फुल स्टॉप। राहुल बुद्धिमान लड़का नहीं था नेगेटिव, राहुल ये नेगेटिव आ गया, वाज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी आपको ए एन द यानी कि ए एन दर आर्टिकल है इसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले अगर कभी भी आप ए एन द का प्रयोग करेंगे तो नोट के बाद करेंगे, नोट से पहले कभी भी नहीं करेंगे, ये बात आपको अच्छी तरह दिमाग में रखनी है। राहुल वाज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव, क्या राहुल बुद्धिमान लड़का था, यानी अब याद हम क्वेश्चन अपने आप से कर रहे हैं या हम किसी और से, अगर क्या शुरू में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे शुरू में आ जाए उठकर और सब्जेक्ट हमारा बाद में, तो वाज पहला आ गया, अगर ये शब्द पहला आ रहा तो पहला शब्द कैपिटल हो जाएगा, लेकिन नाम का किसी भी व्यक्ति का नाम देश का नाम हो हमेशा उसका पहला वर्ड कैपिटल में आएगा चाहे वो कहीं भी हो। वाज राहुल एन इंटेलिजेंट बॉय क्वेश्चन मार्क, राहुल बुद्धिमान लड़का कैसे था, अभी आ गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव तो कैसे वो क्या कहेंगे हाउ, ये मैंने आपको कल लिखवाया था सारे सारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स, हाउ वाज राहुल एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि अगर कोई सा भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड्स आता है तो आप शुरू में लिख दो बाकी हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने आपको एक बताया कि ये पांच सिंपल टेस्ट, यानी वाज वर्ब का प्रयोग आप अफर्मेटिव में कैसे करेंगे, नेगेटिव में कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे और डबल इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, यू हैव टू रिमाइंड वन थिंग इन योर माइंड, यू विल नॉट यूज मैन वर्ब इन दिस सेंटेंस, ना प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे सिंपल में ना पास्ट सिंपल टेंस में करोगे, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करोगे इज एम आर का और पास्ट सिंपल टेंस में यूज करोगे वाज और वर का। ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने यहां लिखे हैं इसके पास्ट में, ये जो सेंटेंस जो हम सीख रहे हैं इसका मेन जो रीजन है वो क्या है कि आपको इस सेंटेंस के माध्यम से बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे, तो जितने ज्यादा वोकैबुलरी आप याद करोगे मीनिंग याद करोगे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अपना आप अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश जो गेम है खेल है वो मीनिंग का स्ट्रक्चर का और आपके प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी का और कुछ भी नहीं है, इट्स सो सिंपल, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मैं आपको छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ये तो आप आराम से सीख रहे हो, लेकिन अगर आप डेफिनेटली अगर मुझसे आगे पर्सनली मिलोगे तो आप विद इन टू और थ्री मंथ में यू विल बिकम अ गुड लर्नर एज वेल स्पीकर इन इंग्लिश। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, हम वकील थे, वकील यानी लॉयर, मैं जादूगर था मैजिशियन, मैं डाकिया था पोस्टमैन,
तुम वफादार नौकर थे, फेथफुल सर्वेंट, वे घमंडी आदमी थे, प्राउड मैन। यहाँ पर मैन की स्पेलिंग है MEN, क्यों? क्योंकि वे यानी बहुत सारे हैं, अगर बहुत सारे हैं तो MEN, तो ये किसको शो करता, प्लूअर को। अगर ए लगाओगे तो सिंगुलर को शो करेगा, तो बहुत सारे तो आपको ई लगाना पड़ेगा। राजू चित्रकार था, पेंटर, हम सब दोस्त थे, सब और दोस्त को फ्रेंड्स। वह गरीब किसान था, पुअर फार्मर। मैं लेखक था, लेखक को राइटर, गायक को सिंगर। क्या नौकर वफादार थे, ये आपको मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है। क्या वह छत पर था, छत पर, ऑन द रूफ। क्या आम पके थे, पकने को, राइप। अब क्या हम कार में थे, इन ए कार। देखिए यहाँ पर जितने भी इंग्लिश सिखाते हैं सब आपको पैरट लर्निंग, तोता रट्टा सिखाते हैं, लेकिन आपको तोता रट्टे की तरह नहीं सीखना है, आपको बेसिक, आपको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होना है। अगर इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी, ट्रांसलेट सीखनी पड़ेगी, ये जरूरी है। रट्टा पिकेशन नहीं सीखना है, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आज मैंने ये सेकंड सेंटेंस आपके सामने लिखा, पास्ट सिंपल टेंस। अब मैं जो अगला सेंटेंस सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगा अगली क्लास में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है सारे टेंसेस का सबसे मेन रूट है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर पकड़ मजबूत कर ली, तो आपको इंग्लिश में पैराग्राफ बनाने बहुत जल्दी सीख जाओगे। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो मैं चैनल अपना मैंने बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया, अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और चाहते हो कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे इसके लिए इंकरेज जरूर करें। व्हाटएवर एनी प्रॉब्लम इंग्लिश यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम इन माय कोचिंग सेंटर, और आई हैव बीन लिविंग दिस लोकल एरिया फॉर लास्ट 25 इयर्स। व्हाटएवर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश यू कैन आस्क मी फ्रेंकली, विदाउट एनी डिफिकल्टी यू कैन कम इन माय कोचिंग सेंटर, और आई विल गिव यू माय सर्विस फ्रीली। ओके, हैव अ नाइस डे फॉर यू।